पंडित नरेंद्र उपाध्याय लाइव हिंदुस्तान के राशिफल के कार्यक्रम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले हम लोग ये जानें कि ये 29 अगस्त 2019 का राशिफल है। दूसरी स्थिति यह है कि ग्रहों की स्थिति के बारे में हम लोग जान लें कि कौन से ग्रह किस राशि में किस दशा में भ्रमण कर रहे हैं। राहु मिथुन राशि में है, कर्क राशि में स्वग्रही चंद्रमा इस समय चल रहे हैं, सिंह राशि में स्वग्रही सूर्य के साथ बुध शुक्र और मंगल चल रहे हैं, गुरु वृश्चिक राशि में है और धनु राशि में शनि और केतु का गोचर चल रहा है, जिसमें इन दिनों भी अभी शनि वक्री गति से चल रहे हैं। बाकी जो एक सही स्थिति है आपकी, जैसे बाकी सारे ग्रह राहु केतु को छोड़ करके मार्गी चल रहे हैं, राहु केतु चूंकि वक्री ही होते हैं इसलिए अपने पोजिशन में वो बने हुए हैं। राशिफल शुरू करते हैं। सबसे पहले मेष राशि, भूम भवन वाहन के खरीदारी का योग बन रहा है, बड़ी अच्छी स्थिति घर में आ गई है आपकी, बिल्कुल सकारात्मक ऊर्जा का निर्माण हो रहा है घर में, मां के स्वास्थ्य में भी सुधार हो रहा है, अच्छी स्थिति है। वृषभ राशि, घोर पराक्रमी बने हुए हैं, आप द्वारा किया गया पराक्रम आपको सफलता की तरफ लेकर के जा रहा है, बिल्कुल लगे रहिए और जो आपने जिस योजना को आपने डिजाइन किया है ना उसको इम्प्लीमेंट करिए, उसको लागू करिए, अच्छा होगा। मिथुन राशि, जुबान पे नियंत्रण रखना आवश्यक है, आप खराब भाषा नहीं बोलेंगे लेकिन कुछ छुपाने वाले तथ्य भी अपने कुटुंबों के सामने उजागर कर देंगे, इससे थोड़ी स्थिति खराब हो सकती है, तो थोड़ा सा बच के बोले अच्छा रहे। कर्क राशि, बहुत अच्छी सॉफ्ट एनर्जी आपके अंदर आ गई है और सॉफ्ट एनर्जी से लिया गया निर्णय और किया गया कार्य ये सारे बहुत अच्छे होते हैं, तो बड़ी अच्छी स्थिति है आपकी, आगे बढ़ते रहिए। सिंह राशि, सिंह राशि की ऐसे तो बड़ी अच्छी स्थिति है, आप में हर तरह की ऊर्जा इस समय समाहित है लेकिन चंद्रमा के द्वादश भाव में जाने की वजह से, हालांकि आपका चंद्रमा द्वादशेष है ही, उस द्वादश भाव का ही मालिक है, फिर भी वो थोड़ा सा आपको अकारण चिंता दे सकता है और खर्च की अधिकता करा सकता है, तो इसको केवल आप ध्यान रखिएगा, बाकी वंडरफुल स्थिति। कन्या राशि, इन दिनों हालांकि अच्छी स्थिति आपकी नहीं चल रही है क्योंकि आपके द्वादश भाव में चार चार ग्रह बैठे हैं जो खर्च की स्थिति ला के खड़े कर दिए हैं, कर्ज की स्थिति आने लगी है, राज्य सत्ता पक्ष आपके अपोजिट भाव में खड़ा है लेकिन चंद्रमा के एकादश भाव में जाने की वजह से थोड़ी स्थिति में सुधार है और अच्छी स्थिति है, तो कुल मिलाकर के आपको थोड़ी राहत मिल रही है। तुला राशि, तुला राशि की स्थिति कुल मिला के हर दृष्टिकोण से उत्तम है, चाहे वो शासन सत्ता पक्ष हो, चाहे वो राजनीतिक गलियारे हो और चाहे आर्थिक स्थिति, वंडरफुल स्थिति। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि की स्थिति दिन पे दिन अच्छी होती जा रही है, आपके दशम भाव में अच्छे ग्रहों के जमावड़ा जो राज्य सत्ता पक्ष के करीब ला रहा है, कोर्ट कचहरी में विजय दिला रहा है और नवम भाव का चंद्रमा भाग्यवश कोई काम अच्छा कर रहा है, तो बड़ी अच्छी स्थिति है आपकी। धनु राशि, भाई आप बच के पार करें, बड़ी खराब स्थिति है आपकी, अकारण या अचानक प्रतिकूल स्थिति का सामना करना पड़ सकता है, तो थोड़ा सा बच के पार करने की आवश्यकता है। मकर राशि, शादी ब्याह तय होने के चांसेस है, कुल मिला के एक अच्छी स्थिति आपकी दिखाई पड़ रही है, बस आप चलते रहिए करते रहिए लेकिन शासन सत्ता पक्ष से पंगेबाजी मत करिएगा, कोर्ट कचहरी के शरण में अभी मत जाइएगा, अवॉइड करिएगा। कुंभ राशि, रोग ऋण शत्रु को परास्त करने का समय है, कुल मिलाकर के बड़ी अच्छी स्थिति है और सरकारी अनुबंध के करीब आ रहे हैं, बड़ी अच्छी स्थिति। मीन राशि, मीन राशि की स्थिति अच्छी कही जाएगी, आप इस समय बड़े ओजस्वी निर्णय लेंगे और संतान पक्ष से भी कुछ लाभकारी या अच्छे समाचार की प्राप्ति होगी। धन्यवाद।